Sony Live. We live to entertain. ढोल बज रहा है, इसका मतलब बलदेव आ गया है। मुझे उम्मीद है उन लोगों ने जंगली लड़के को पकड़ लिया हो। चलो देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। बीरा मोगली पकड़ा तो नहीं गया ना? ऐसा मत कहो अकड़ू। देखो वो बलदेव है ना? हाँ, और उसका दोस्त भी। गांव वालों ने उन्हें देख लिया होगा, इसीलिए ढोल बज रहे हैं। देखो हमारे डर से अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके पास बंदूकें हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं। अगर बलदेव गांव में लौट आया तो क्या होगा? तो हम सब खतरे में होंगे, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रुको। पहरेदार कहाँ गए? चले गए। जल्दी चलो, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। चिकी, तुमने हमें बचा लिया, हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं। हाँ। चलो, लगता है ललन और बलदीप वापस आ गए हैं। लगता है उन्होंने जंगली लड़के को पकड़ लिया होगा। होगा, आखिर वो शिकारी है। हाँ सही कह रहे हो। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ भाई चलो, मजा आएगा। बलदेव, ललन जंगली लड़के को साथ लेकर क्यों नहीं आए? जवाब दो जल्दी। गए थे उस लड़के को पकड़ने और चले आ रहे हो खाली हाथ। पानी पानी, थोड़ा पानी चाहिए हमें। ये लो पानी। थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो। तुम पी चुके हो? नहीं, मुझे और प्यास लगी है। गांव वालों मेरी बात सुनो, हमने उस जंगली लड़के को इसीलिए नहीं पकड़ा क्योंकि अब वो जानवर बन चुका है। हाँ हाँ सही है सही है। राक्षस, जानवर, शैतान, क्या बात कर रही है? हाँ एकदम खतरनाक जानवर। लेकिन मैं और ललन घबराए नहीं। तुम डरपोक नहीं हो? अरे हम कहाँ डरपोक है, हम तो बहादुर है। उसके सामने खड़े हो गए हम मुकाबला करने के लिए। अच्छा तो तुम इसलिए खाली हाथ चले आए? अब तुम बीच में मत बोलो, जैसा मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। हम लोगों ने अपनी बंदूकों से अपनी रक्षा की जितनी हम कर सकते थे, जब तक कि हम लोग उस खतरनाक जानवर को निशाने पे लेते और बड़े बड़े खतरनाक जानवर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। ललन से पूछो। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारे पीछे से कुछ आवाजें आईं। हम झटके से पीछे पलटे तो देखा कि बहुत सारे जानवर थे और वो जानवर चारों तरफ से हमें घेर चुके थे, पर हम घबराए नहीं। किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास बंदूक थी, मैंने उन तीनों पर निशाना लगाया। लेकिन मैं जानता था अगर गोली चलाई तो बाकी के भेड़िए हमें दबोच लेंगे। एक बात और, हमें ये नहीं मालूम था कि उनमें से जंगली लड़का कौन है। आगे बता। मुझसे बस एक ही गलती हो गई कि मैं उनकी तरफ दौड़ पड़ा। बेवकूफों वाली हरकत की ललन ने। भेड़िए कूदने को तैयार थे लेकिन मैंने हवा में गोली चलाई तो सब हट गए। जब तक ललन ने अपनी बंदूक नहीं उठाई तब तक मैं गोली चलाता रहा और वो बदमाश पीछे हटते रहे। वो तीनों कांपने लगे, लगता था हम जीत गए। बताओ फिर क्यों नहीं जीते ललन? क्या बताऊं? मैं बताऊं, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन अभी याद आया, हम जब उनकी तरफ बढ़ रहे थे तो अचानक गायब हो गए। अरे पता ही नहीं चला अंधेरे में। हाँ गायब हो गए अचानक, हम दोनों अकेले रह गए। तभी मुझ पर हमला हुआ और मैं जमीन पे पड़ा था। मेरी बंदूक से कोई चीज टकराई, मुझे खींचने लगी, लेकिन वो बदमाश दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अरे बाप
रहे हैं। हम लड़े और अपनी पूरी ताकत से जंगली लड़के और उसके साथियों का मुकाबला किया, लेकिन अदृश्य शक्तियों से कौन लड़ सकता है। और आखिरी में वो परेशान होकर वापस चले गए जंगल में। और आखिरी आवाज जो मैंने उस लड़के की सुनी, वो कह रहा था भोला भोला भोला, हम उनसे बदला लेकर आएंगे, हम उनसे बदला लेकर आएंगे, हम उनसे बदला लेकर आएंगे, खत्म कर देंगे, बदला लेंगे हम। हाँ हाँ भोला, उसका परिवार अपराधी है। गांव वाले बहुत गुस्से में है मोगली, जल्दी निकलो यहाँ से। सारू, तुम जंगल में जाओ और माँ से कहना कि मैंने राधा के परिवार को छोड़ा लिया है और अब वो राजनगर जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मदद करो। जाओ और जाकर माँ को खबर करो। ठीक है, पर ये बताओ वो हमें कहाँ मिलेंगे। जुड़वा पहाड़ी पर। चलो अब चलें। ये जानवर हमें कुछ नहीं। राधा, वो भेड़िया मेरा भाई अकड़ू है और वो तेंदुआ मेरा दोस्त बघीरा है। ये हमें हर खतरे से बचाएंगे। अब चलो। जला दो, आग लगा दो, आज छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल गद्दार है वो, बहुत गद्दार है वो। बराबर, ऐसे बदमाशों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। गद्दारों, बाहर निकलो, तुम्हारी सजा का वक्त हो चुका है। अंदर काफी सन्नाटा है। क्या क्या हो रहा है? अंदर है कि नहीं है लोग? पता नहीं। हटो सामने से। बोला कहाँ हो तुम? बाहर आओ जल्दी। जला दो इनको, ये गद्दार हैं। बचे वतन तो कोई नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है वो लोग भाग चुके हैं। चलो चलो इनको दूर निकाले। यहाँ पे कोई नहीं है। राधा, ये देखो, तुम्हें चोट लगी है। जरा सी खरोच है। कैसे? मोगली, ये जख्म रस्सियों से हुआ है। उन जालिमों ने मेरी बेटी को बड़ी बेरहमी से बांधा था। उस गांव में शैतान बसते हैं। भागो भागो भागो, अरे भागो रे भागो, उधर देखो, भागो भागो, देखो चारों तरफ घेर लो, भागो, वो ज्यादा दूर तक नहीं गए। जाने लगा तो भोला का परिवार ज्यादा दूर नहीं गया होगा। घेर लो, घेर लो चारों तरफ से। उस तरफ देखो, उस तरफ। आज नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने। गद्दारी की उन्होंने गांव के साथ। भागने नहीं चाहिए वो। हाँ, इस तरफ। तुम राधा के परिवार को यहाँ से ले जाओ। मैं और मोगली गांव वालों से निपटते हैं। जानते हो ना चमेली से कहाँ मिलना है? जुड़वा पहाड़ी पर। राधा, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता क्योंकि गांव वाले बहुत ही करीब आ चुके हैं। तुम मेरे भाई अकड़ू के साथ जाओ, वो तुम्हें सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देगा। वो बहुत बहादुर है, जंगल के सभी रास्ते जानता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और बघीरा यहाँ रहकर गांव वालों से निपटते हैं। मिलने का स्थान जुड़वा पहाड़ी है। वहाँ मेरी माँ और मेरे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजनगर के रास्ते में आने वाले हर खतरे से वो तुम्हें बचाएंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है राधा। हाँ ठीक है मोगली, हम नहीं डरेंगे।
तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है मोगली, पता नहीं हम तुम्हारा एहसान कभी उतार पाएंगे या नहीं। हम तुम्हारे एहसान मंद हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब चलते हैं। चलो राधा। राधा तुम्हें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया मोगली, मुझे यकीन है हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अच्छा फिर मिलेंगे मोगली, अपना ख्याल रखना मोगली, सावधान रहना। हाँ राधा। फिर मिलेंगे। वो अभी सुरक्षित हैं। चलो अभी हमें बहुत कुछ करना है। सारा जंगल छान मारा, दूर तो जाना भी चाहिए, इधर फिर भी देखते हैं। अरे सब साथ ना रहो, अलग अलग बिखर जाओ। नहीं नहीं भाई, एक साथ रहो ना। उस तरफ देखो, हर तरफ देखो, सब लोग सावधान रहो। और जैसे ही पता चले आवाज देना, बताना जरूर, कोई भी दिखाई दे आवाज देना। पंछी है। चलो आगे देखते हैं। किसी को नजर आए? अजीब अजीब आवाज आ रही है। बलदेव तुम इतने डरे हुए क्यों हो? डर तो मुझे भी लग रहा है, अब बताओ क्या करूं? फंस गया हूँ। ये तो शैतानी भेड़िए हैं। शैतानी भेड़िए। अरे संभल कर, क्या हो गया राई ने? भागो, 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 अपनी, भागो, भागो यहाँ से। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। दादाजी मैं पहले कभी हाथी पर नहीं बैठी। इसमें डरने की क्या बात है बेटी, ये हाथी बड़े सीधे हैं। क्यों संजय? यो मोगली, क्या हाल है? मेरे ख्याल से अब हमें आराम करना चाहिए, मैं तो पूरी रात गुर्रा गुर्रा के थक गया। ना जाने राधा कैसी होगी। तुम उसकी चिंता मत करो मोगली, राधा और उसके परिवार ठीक ठाक होंगे। ठीक कहते हो, माँ जो उसके साथ है। और तुम्हारी माँ के साथ सभी होंगी। आओ चले। Thank you.
बड़ी बात हो गई है जब हमने राधा के परिवार को बचाया था, लेकिन गांव वाले अभी तक ये बात भूले नहीं हैं। वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। चमेली, मोगली ठीक कह रहा है, गांव वाले यकीनन वापस आएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ वो जंगल बर्बाद किए बिना नहीं मानेंगे, लेकिन हमें जंगल को बचाना होगा, वरना हम यहाँ जी नहीं पाएंगे। माँ, गांव वालों को हराने का अब एक ही रास्ता है। मैं हाथी से बात करता हूँ, वो हमारी जरूर मदद करेगा। उसने राधा को भी राजनगर पहुँचाया था। बहुत अच्छा विचार है मोगली। हाथी के साथ कुछ हिरण और भैंसों का झुंड भी रहेगा, इस तरह हम उन मनुष्यों को दूर भगा देंगे। हाँ तो ठीक है, बघीरा, मोगली तुम जाओ और हाथी और बाकी जानवरों के नेताओं से मिलो। ठीक है। कहना कि जंगल को खतरा है और हम मनुष्यों को नहीं उनके घरों को तोड़ देंगे, लेकिन हम मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे क्या हो रहा है? अरे क्या है? नहीं, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, पागल हो गए हैं। हाथी जी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। ये तो मेरा फर्ज था मोगली।
बलदेव और उसके साथियों के बहकावे में आकर गांव वाले मूर्खता कर बैठे, और जब मनुष्य किसी नीच नेता की बातों में आकर ऐसा करते हैं तो अंजाम ऐसा ही होता है। मोगली, जंगल को बचाने के लिए गांव को उजाड़ना बहुत जरूरी था। आज से गांव भी जंगल में शामिल हो गया है, और दो चार बरसों के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कभी इंसान रहा करते थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, जंगल फिर से पनप उठेंगे, जंगल के घाव भर जाएंगे। खुशी छाई है चारों ओर, देखो आया मोगली आया, करे हंगामे और मचाए वो शोर, झूले वो कैसे मस्ती में अपने यार मलू को साथ लेके, ये नजारे उनको सिखाए जिंदगी ये कैसे चलती है। बगेरा भी मोगली का है दोस्त, फिर भी मोगली चलना संभाल के, शेर खान के जैसे दुश्मन रहते तो है हर दिशाओं में, सर उठा के चलो।